अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो फ्रेंड्स, आपको इस वक्त आपके सामने एक अदद है, थोड़ी एक प्लेट और एक शापर में बादाम वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो जी, आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं अब तोड़ने वाली हूँ बादाम। मैं इस वक्त बादाम तोड़ने या छीलने की तैयारी कर रही हूँ, और इधर हानिया बैठी अपनी वो छोटे छोटे से कपड़े लेके बैठी हुई है, अपनी तरफ से अपनी गुड़िया के कपड़े वो तय लगा के रख रही है। तो इधर ये खेल रही है, और फिजान अली गया हुआ है स्कूल, ये देखें बाय बाय कर रही है। तो मॉर्निंग का सुबह सारा काम वगैरह करके मैं फारिग हो गई हूँ, तो सोचा मैंने कहा चलो ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े थे, मैंने कहा चलो छील के रख लेती हूँ। और हैदर अली वो सोया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें वो उसे दूध पिला के मैंने सुला दिया था, वो सो रहा है। और हानिया खेल रही है, अबू बकर स्कूल गया है, तो मैं फारिग थी, मैंने कहा चलो फटाफट से कर लेती हूँ। तो ये बादाम मैंने किस लिए छीलने हैं, क्या करने हैं, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको जैसा कि आप शुरू से देख रहे होंगे कि एक साल हो गया मेरे ख्याल में, मेरे जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो छोटा सा ही था हैदर अली, तो अब माशाल्लाह से ना ये बड़ा हो रहा है, तो ये दांत निकाल रहा है, दांत दाढ़े वगैरह। तो कहते हैं कि जब बच्चा दांत दाढ़े वगैरह निकालता है ना, तो उसे कमज़ोरी हो जाती है, ख़ासतौर पे दिमाग पे काफ़ी असर पड़ता है, मतलब वीकनेस हो जाती है। तो उसके लिए फिर बेस्ट यही, या फिर बादाम का तेल उसके सर में कहते हैं कि लगाया जाए बच्चे के, तो उसे वीकनेस नहीं होती, कमज़ोरी नहीं होती, और या फिर ना बादाम वगैरह तो खिलाए जाएँ। तो इसलिए इन्होंने ला के दिए थे, मैंने कहा था कि चलो इसे ला दें, तो ताकि ना बच्चे को कमज़ोरी ना हो। तो इन्होंने ला के दिए थे, और हैदर से ज़्यादा हानिया को शौक़ है बादाम खाने का, वो बैठ गई है, उसे पता है मम्मा कुछ नया करने लगी है, कुछ अलग सा, तो वो हर काम में दिलचस्पी लेती है, मेरे साथ बैठ गई कि मम्मा आप, मैं छिलवाती हूँ आपके साथ। मैंने कहा चलो छीलो, मैं तोड़ी जाती हूँ, तुम छिली जाओ, तो अलग रख रही है। वैसे इस वक्त जिस तरह से मेरी कंडीशन हुई हुई है ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है बादाम खाने की। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो क्यों, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मेरा सर में मुसलसल दर्द हो रही है। कुछ भी खाती हूँ ना, कोई मेडिसिन भी लेती हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या मसला बन गया है, इतनी शदीद पेन होती है कभी कभी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ करने को दिल ही नहीं करता। पहले भी अक्सर हो जाता था, सर में पेन होना एक मामूली सी बात है, तब मैंने कोई मेडिसिन खानी, पैनाडोल वगैरह खा लेती थी तो आराम आ जाता था, लेकिन इस बार नहीं कुछ भी हो रहा, पता नहीं क्या मसला बन गया है, शायद आई साइड पे कोई हो गया है सर। मैं ये भी सोच रही हूँ कि अपनी आई साइड चेक करवाती हूँ। तो तबीयत भी अजीब चिड़चिड़ी सी हो जाती है, बच्चे ज़रा से भी तंग करें, शोर करें, तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन सा हो गया है, बहुत अजीब सी तबीयत हो चुकी है मेरी। कहते हैं कि इस कंडीशन में जब ज़्यादा सर में पेन हो रही हो या कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो इस कंडीशन में अगर आपको ज़रा सी भी बात की, किसी की भी टेंशन हो, तो बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है बाज़ का, जब कोई सी छोटी सी भी टेंशन हो ना, तो मुझे जैसे मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। और आप इत्तेफाक देखें, इस नाजुक मौके पे मुझे एक ऐसी टेंशन मिली है जिसने मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। टेंशन क्या मिली है, चलिए आपसे शेयर करती हूं। आपको बताया था ना कि मेरे चैनल का कोई मसला है, कोई जो उसकी वेरिफिकेशन का मसला है, कोई टेक्निकल इशू है। पहले तो मैं ख़ुद ट्राई करती रही, कोशिश करती रही, लेकिन नहीं सक्सेस हो सकी। फिर मैंने सोचा कि चलो किसी की हेल्प ले लेती हूँ। फिर इसके सिलसिले में आप रिस्क भी नहीं ले सकते, हर किसी पे एतमाद भी नहीं कर सकते। तो मैंने भाई से बात की, भाई को भी नहीं इतना, उसने भी कोशिश की, तो उससे भी नहीं हुआ ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो फिर उसने भी आगे किसी अपने फ्रेंड से या किसी से जानने वाले से पूछा, तो अब हो तो जाएगा, लेकिन उन्होंने रख दी है डिमांड, और डिमांड भी कोई छोटी नहीं रखी, हज़ारों के हिसाब से रखी है। और आपको तो पता है कि क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त, हालात आपको पता ही है, आप हर किसी को पता है, जो तो पाकिस्तान में रहते हैं वो तो इन हालात को फेस कर रहे हैं, उन्हें तो अच्छे से पता होगा। तो इस बारे में तो हम बात ना ही करें तो अच्छा है, दिल दुखता है।
इस मौके पे अगर कोई इंसान अपने घर बैठा हाथ पांव मार रहा है, कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी इस मजबूरी का, इस चीज़ का लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपके सामने है। अब आप खुद देख लें, पूरे साल की मेहनत है, एक साल से ऊपर होने लगा है मेरे इस चैनल पे मेहनत करती को, टाइम देती को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। अब अगर मुझे कोई थोड़ी सी आस उम्मीद हुई है तो देखें कैसी प्रॉब्लम आई है मेरे सर पे। मतलब ये है कि मैं अब ना छोड़ सकती हूँ बीच में, इतनी मेहनत की हुई, जाहिर है इतना टाइम दिया हुआ, इंसान को दुख होता है, और ना ही अब डिमांड पूरी करने के लिए भी अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पिछले दोनों थे हमारे पास पैसे थे, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद हम ये सोलर वगैरह का, ये पंखे वगैरह चीज़ों का ना करते, हम इसे फिर कर लेते कभी, वो कर लेते जो ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन कैसा इतफाक है, वो चीज़ें लेने के बाद जब हम पैसे खर्च करके खाली हो चुके हैं ना, तो अब मुझे ये चीज़ का पता चल रहा है। इस टेंशन की वजह से काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत, मैंने आपको बताया कि चिड़चिड़ी सी थी, अजीब सी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ना कहीं टाइम निकाल के ना, चलो बाहर कभी अपने हस्बैंड के साथ जाके, चलो बच्चों के साथ जाके ना थोड़ा बाहर कोई चक्कर लगा आते हैं बाज़ार वगैरह का, या इधर चलो एक दो चीज़ें भी मैंने लेनी थी घर की छोटी छोटी सी। तो जब गई हूँ बाज़ार में, ये सोच के गई हूँ कि चलो ये थोड़े से ना माहौल चेंज होगा, थोड़ा सा इंसान का ध्यान बढ़ता है तो थोड़ा सुकून मिलता है, माइंड फ्रेश हो जाता है इंसान का। लेकिन वहाँ जा कर तो मुझे और टेंशन होने लग गई, क्योंकि हर चीज़, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, मामूली है, बहुत अहम है, कोई भी चीज़ है ना, हर चीज़ की कीमत डबल हुई हुई है, डबल। अब थोड़े ही दिनों में, अब ज़्यादा भी नहीं हुआ, अब एक समझ लिया आप, रोज़ रोज़ तो नहीं जाया जाता हमसे बाज़ार, मतलब एक मंथ में एक चक्कर लग ही जाता है, अब एक मंथ भी नहीं हुआ तो चीज़ों की कीमतें डबल हुई हुई हैं। ये सोच के ना इंसान को ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, ये क्या है, क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में हो क्या रहा है ये। अगर इंसान को किसी जगह से प्रॉब्लम हो, किसी घर में या कहीं भी कंफर्टेबल ना रहे, मसला हो रहा है, तो इंसान का दिल करता है मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ, भाग जाऊँ। लेकिन अब देखें मुल्क छोड़ के हम कहाँ भागें, दिल करता है मुल्क छोड़ के कहीं भाग जाएं, कहीं दूर जहाँ सुकून हो, ये चीज़ें ना हो, हर दूसरे दिन झटका लगता है कि अब ये हो गया, अब वो हो गया है, समझ नहीं आ रही कि बनेगा क्या। कभी कभी जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे अपने हस्बैंड पे, अपने बाबा पे, अपने भाइयों पे, मतलब तमाम मर्दों पे कभी कभी बहुत तरस आता है, जो लोग ख़ुद घर को चला रहे हैं, घर का खर्च खुद करते हैं ना, हर चीज़ को खुद मैनेज कर रहे हैं, उन पे तरस आता है कि इन हालात में बेचारे वो अपनी मामूली सी जॉब के साथ, मामूली सी मजदूरी के साथ घरों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, कभी हमारे हस्बैंड ने किसी चीज़ की तंगी नहीं दी, जहाँ तक उनसे हो सकता है घर का पूरा करते हैं। और इन हालात में अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जहाँ तक हो सकता है अपने हस्बैंड का साथ दूँ, उनको सपोर्ट करूँ, चलो उन्हें भी कुछ थोड़ा सा आसरा हो मेरा कोई, वैसे उन्होंने कभी कहा तो नहीं है, लेकिन इंसान को ख़ुद भी तो आता है कि चलो अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं करूँ, अगर घर में बैठ के भी कुछ कर सकती हूँ कुछ भी, तो अगर मैं ये कोशिश कर रही हूँ तो अब आपके सामने है कि वो अब उसका भी प्रॉब्लम बना हुआ है। अब आप ख़ुद देखें, अगर आपको किसी चीज़ का कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो तो आपका उस पर काम करने को दिल नहीं चाहेगा, ये जाहिर सी बात है। कोई आपको स्पेशल टाइम निकाल के एक चीज़ को करना, उस पर टाइम लगाना, उस पर काम करना अपने बच्चों को छोड़ के, और फिर भी आपको उसका कोई फ़ायदा ना हो, तो फिर वो काम करने को दिल नहीं करता। इस वक्त मेरी सिचुएशन भी यही है कि मैं कर रही हूँ ना, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जाहिर है जब मेरे वीडियोज़ पर एड्स वगैरह चलेंगे मुझे उससे फिर ही अर्निंग होगी, वो मेरे एड्स बंद हुए हैं, ये जो मैं वीडियोस कर रही हूँ उस पर जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फिर इसलिए मेरे व्लॉग्स भी लेट हो जाते हैं, फिर मेरा दिल ही नहीं करता करने को, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। कभी कभी तो दिल करता है क्विट कर लूँ, छाड़ दूँ सब कुछ, क्योंकि क्योंकि जब मेरे व्लॉग्स लेट होते हैं ना, तो शौरी नहीं, शौरी तौर पे इंसान अपना खुद को कर लेते हैं, ला शौरी तौर पे ना मुझे टेंशन रहती है, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मुझे टेंशन, अजीब सी अलग सी टेंशन रहती है कि हाई मैं लेट हो गई हूँ, देखो कितने दिन ऊपर हो गए, अभी तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्या होगा, मेरा इतना टाइम हो गया है, व्यूज़ मेरे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे होंगे, फिर अपने चैनल के बारे में कोई अच्छी इमेज नहीं बनती, सब यही कहते हैं कि इसका जब दिल करता है कर देती है, इतनी इतनी लेट करते
हैं, सब मुझे यही डेली कहते हैं कि अब डेली व्लॉगिंग किया करो, तो एक अजीब सी अलग सी टेंशन रहती है मुझे। फिर कभी कभी सोचती हूँ कि फिर मैं और क्या करूँगी इतने छोटे बच्चों के साथ, तो मैं कोई जॉब भी नहीं कर सकती, बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको ये केयर कौन करेगा, तो फिर घर भी नहीं ना अकेला छोड़ना ठीक है, कोई इधर टेक केयर करने के लिए भी नहीं है, कोई बड़ा हो, हस्बैंड भी काम पे होते, बच्चे अभी छोटे हैं, और इसके अलावा जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है इस पर मुझे कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी, टाइम ही ज़ाया होगा। इसके अलावा जितनी मैंने इस चैनल पे मेहनत की है, चाहे छोटे लेवल पे ही सही, मेरी एक छोटी सी पहचान तो बनी है, लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, चाहे थोड़े से ही लें, चलो कभी ना कभी तो होंगे ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर मैं रेगुलर वीडियोस करती रहूँ तो इंशाल्लाह ताला मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और जल्दी चैनल ग्रो करेगा, लेकिन उसके लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन मुझे तब मिलेगी जब मेरा ये प्रॉब्लम हल होगा, मुझे कोई उम्मीद होगी कि हाँ मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ तो वो रायगा नहीं जा रही, उसका मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। इस वक्त मुझे अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी मैं करूँ, हाँ मैं मानती हूँ मैं वीडियोस लेट करती हूँ, वजह रीज़न भी मैंने आपको बता दी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर किया करूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और लाइक शेयर किया कीजिए, मुझे सपोर्ट करें, और आप लोगों के अच्छे कमेंट्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो पूरी देखा करें। आप लोगों को मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, फैमिली का एक हिस्सा समझती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें भी शेयर कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता ये बातें सुन के मेरे बारे में आप लोगों की क्या राय होगी, क्या सोचते होंगे कि जब भी देखो इसके व्लॉग में रोती ही रहती है, किसी न किसी चीज़ का गिला शिकवाई करती रहती है, तो आप ख़ुद सोचें तो मैं किससे, इंसान अपने अपनों से ही करते हैं जिन्हें अपना समझता है, जिसे लगता है कि वो लोग मुझे अपना समझते हैं, मुझसे हमदर्दी करते हैं, तो उनसे ही इंसान शेयर करता है, ऐसे ना दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों को अंदर ही लेके बैठे रहेंगे ना घुट घुट के, फिर इंसान को ना अंदर ही अंदर वो कहते हैं घुलता रहता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। प्लीज़ इससे कुछ बुरा मतलब ना सोचिएगा मेरे बारे में, मैं कोई ऐसी नाशुक्री बनती नहीं हूँ कि जो मैं अल्लाह ताला से के लिए नहीं करती, मैं लोगों से करती हूँ, क्योंकि लोगों की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है, तो उनसे गिला तो बनता है, अल्लाह ताला से तो इंसान नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। जब मैं कभी ऐसे हालात देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि शुक्र है अल्लाह ताला का, कईयों से बेहतर हैं हम लोग, कम से कम अल्लाह ताला ने हमें हाथ पांव सेहत अच्छी ज़िंदगी ये सब तो अता की, जो चीज़ें अनमोल हैं, अल्लाह ताला तो नवाजता है, वो हर किसी को नवाजता है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो इंसान हैं, ये एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, दूसरों को रोंद के आगे जाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ बुरी है, इससे मुझे एतराज़ है, इस चीज़ का मैं रोना रोती हूँ कि क्यों है ऐसा। अपनी ज़िद, अपनी अना, अपने हिर्स की वजह से देखो मुल्क को किस दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया है इन लोगों ने, इंसानों ने। इतनी हिर्स अच्छी नहीं होती कि अपनी हिर्स की खातिर दूसरों की कुर्बानी दे दी जाए। खैर, अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह हिदायत दे सबको और सबके सदके हमें भी। खैर फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक था, बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे।